जी आपका नाम? डॉक्टर एस के वातल। वर्कर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन का कितना महत्व रहता है और माँ खीर भवानी की किस तरह की कृपा रहती है पूरे जम्मू कश्मीर पे और सभी देशवासियों के? मैं एक चीज़ बताऊँ कि आज जो चल रहा है ये अंडर SOP चल रहा है, कोविड SOP चल रहा है। हमने पुलिस को, रेडियो को, हर एक जगह को संस्था ने बता दिया है कि भाई आप घर में पूजा कर लीजिए। आप पहले भी आए होंगे, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। हाँ, वहाँ खेर भवानी तुलामुला में भी, श्रीनगर में भी रश, और यहाँ तो इतना रश होता जब से लोग यहाँ आ गए हैं। तो मगर आज के ये हालातों को देखते हुए कि भाई कैसे हालात हैं, मास्क लगा के रहो। देखो, अगर देख लेंगे, मैंने सिर्फ ये उतार दिया है, मेरे मास्क भी है क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना बिना मास्क के यहाँ कोई नहीं है, सारे मास्क लगा के लोए हैं। इसका मैं तो बहुत ज़बरदस्त है, साल में एक दिन आता है जब महाराजनियाँ इस खीर भवानी की अनंत पूजा होती है, वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। माता बेसिकली श्यामा के रूप में लंका में थी, हनुमान जी ने फिर उसको वहाँ से, जब वो नाराज़ हो गई उधर राक्षसों की भोजन से, राक्षसों की प्रवृत्ति से, तब उन माता ने बोल दिया कि मैं अब कश्यप प्रदेश जा रही हूँ जहाँ की धरती रुई जैसी है। तो भगवान हनुमान जी उसको अपने कंधे पर लेके 360 नागों के साथ लेकर खीर भवानी में आ गई है, फिर वो लुप्त हो गई। अभी का जो मंदिर है वो महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया है। हाँ, मगर ये जो ये चश्मा है, ये खास एक चश्मा है, और इसका पानी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड या देश में जैसी हालात होंगे वैसे उसका रंग हो जाता है। कोरोना से पहले लोगों ने देखा है, काला रंग हो गया था, लाल हो गया था, लोगों को पता था कुछ ना कुछ विपत्ति आने वाली है, तब तक कोरोना का नाम ही नहीं था, मगर वहाँ चश्मे का काला रंग हो गया था। अब भक्तों ने माँ को यहाँ बुलाया है, 1993 में ये मंदिर का निर्माण होने शुरू हो गया, आज ये देख रहे हैं आप। माता के दरबार में हम हवन करेंगे, पूजा करेंगे, ऑनलाइन शाम को पूजा हो जाएगी, शाम को ऐसे आरती यहाँ नहीं हो जाएगी जैसे पहले होती थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी लोग आए, ये भी अपनी पूरा रख रहे हैं कि भाई नहीं, दूर दूर रहेंगे। माता रानी से यही मांगे कि हे महामाया जगदम्बा, कोरोना से इस संसार को ख़त्म करो, ये निकल जाए यहाँ से, संसार में नहीं रहे ये कोरोना। और एक चीज़, अरे जम्मू कश्मीर के लोगों और भारत वर्ष के लोगों, देखो आप पर शेरावाली का आशीर्वाद है, माता वैष्णो देवी का, खीर भवानी का, अमरनाथ का आशीर्वाद है। इतने बड़े 130 करोड़ लोगों के देश में फिर भी कोरोना हम पर हमला नहीं करा है। जितनी मृत्युएं हो गई हम मान रहे हैं, मगर फिर भी जिस तरह संसार में हो गया, जैसे ब्रिटेन में हो गया, अमेरिका में हो गया, तब तो हम तो कहीं नहीं थे, फिर भी माता रानी की कृपा। जम्मू के वासियों को मैं बोल रहा हूँ, अरे आपको कैसे, हम लोगों को कैसे बचाया इस शेरावाली ने, कैसे अपना आंचल रख दिया। इसी तरह खीर भवानी आज सारे संसार पर और जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष पर अपना आंचल रख के इस कोरोना से हमें मुक्ति देगी। नमस्कार। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के ऊपर, सभी जम्मू वासियों, और किस तरीके की पूजा की और माँ से किस तरह की मनोकामनाएं आपने? हम लोग सब ये चाह रहे हैं कि इस बुरे वक्त में, जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, हमारे पूरे लोग, हमारे जो कश्मीरी हैं, चाहे कोई भी जाति के लोग, धर्म के लोग, उससे मतलब नहीं है। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सब पर माता अपना कृपा करे और सबके मनोकामनाएं पूर्ण करे इस पावन अवसर पर। धन्यवाद। पहले से और अब में आपने क्या फर्क देखा मंदिर में, और जब से कोरोना चला है? पहले बहुत लोग आते थे, आज आपका कम, बिल्कुल कम आ रहे हैं। आज हालात ही खराब है, तभी तो कोई नहीं आता है, तो इधर बहुत लोग आते थे पहले। तो क्या मनोकामना की माता? बस भगवान सबों को ठीक, ये जो बीमारी है ये खत्म होनी चाहिए, बस और क्या, खत्म होनी चाहिए सबों को, ये कामयाबी हमारी ही होनी चाहिए, बस यही हमारी मनोकामना है, ये बीमारी जो है ये खत्म होनी चाहिए, समाप्त होना चाहिए। हमारा जो है साल का हमारा त्यौहार है, हम गांदरबल में रहते थे, गांदरबल से 3 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, मेरे जो डैडी थे वो इसके, हमने 67 में इन्होंने अर्धरात्रि मंडली बनाई थी, वो उसके मेंबर रहे, अब वो रहे नहीं, तो उनका नाम माशरनाथ कोल था, तो वो रहे नहीं, तो हम तब से माता के चरणों में आते हैं, माता की पूजा करते हैं, माता के ही बस इसी का तो सब कुछ है जो हम चल रहे हैं, इसी के कोविड के चलते, क्या कोविड के चलते यही देश के लिए कि माता जल्द से जल्द इसका निवारण करे, जल्द से जल्द लोग जो इसमें त्रस्त है उनका निवारण करे, तो ये माता से प्रार्थना की सारे देश के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे जगत के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा सन्ति।
सारा जो है सबों का निवारण करें माता, पूरे जगत में निवारण। आपका? मेरा नाम चौहान जी है। चौहान जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेके, किस तरह का दिन आज हम लोगों के लिए? आज हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे हमारे देश को, मुल्क भारत को इस कोरोना वायरस से मुक्त करें, कि ये सबसे बड़ी बड़ी ख्वाहिश है। क्योंकि आज का जो पवित्र दिन है, महाअष्टमी है, आज खीर भवानी का आज दिन है, इस दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान माता इस पूरे देश को हमें इस कोरोना मुक्ति से आज़ाद करें हमें।